अगर आप एक बिगनर हैं, आपने पहली बार वर्डप्रेस का नाम सुना है और अपना वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना चाहते हैं, या फिर आपने होस्टिंग डोमेन बाय करके अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है और अब आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को देख के कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो हर एक बिगनर के लिए है जो पहली बार अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और उनके लिए सॉफ्टवेयर समझना इजी नहीं होता। देखिए, हम सालों से वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं इसलिए हमें वर्डप्रेस का अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन अगर मैं याद करूं मेरे बिगनर डेज में जब मैंने पहली बार वर्डप्रेस को देखा था तो मुझे भी बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सारे सवाल थे। तो मैं उसी बेसिस पे एक बिगनर के हिसाब से ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने भी वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल किया है तो आपको सबसे पहले तो अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में बताने वाली हूँ। जब आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक एक चीज को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी साइट का नाम लिखा आ रहा होगा, जिस नाम से आपने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है वो साइट का नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पर आप जब कर्सर लेके जाएंगे तो आपको विजिट साइट पे आएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साइट जो है वो कुछ इस तरह से दिख रही होगी। ये 2020 की एक बाय डिफॉल्ट थीम है, तो ये आपको इस व्यू में दिखेगी। इसे हम चेंज करेंगे और हम एक बहुत प्रोफेशनल ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करके विजिट साइट देख सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे होम है और अपडेट है। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं होता है, यहाँ पे आपको सारी अपडेट दिखती हैं, मतलब कि जो भी हो रहा है, जैसे साइट का हेल्थ क्या है, है ना, एक्टिविटी क्या हो रही है, कौन सी पोस्ट आपने पब्लिश की है, ये जेटपैक में एनालिटिक्स दिखता है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपडेट मिलता है, यहाँ पे आपके ब्लॉग के बारे में जो भी हो रहा है वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई प्लगइन है, कोई थीम है, या वर्डप्रेस को के जो सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते हैं वो आपको अपडेट में दिख जाएंगे। तो जो भी अपडेट आता है आप देखेंगे कि जैसे कि वर्डप्रेस का अपडेट आया, तो किसी भी अपडेट को आपको मिस नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा अपडेट आए ना तो आप यहाँ से अपडेट कर दीजिए। यहाँ आपको प्लगइन का, थीम का, जिस भी चीज का अपडेट आया हुआ होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ से हमेशा आपको अपनी साइट को क्या करना है, हमेशा अपडेट करना है। ये आपकी साइट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गई बात अपडेट की, हमने डैशबोर्ड में होम को समझ लिया, अपडेट को। ये प्लगइन है, तो ये प्लगइन के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज करें, आप चाहे तो ना यूज करें। लेकिन प्लगइन की वीडियोस, अगर आपको जेटपैक को समझना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जेटपैक प्लगइन पे पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगी। इसके बाद आता है पोस्ट। तो यही एक मेन ऑप्शन है जहां पे आपको आर्टिकल पब्लिश करने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखेंगे, ऑल पोस्ट, एड न्यू कैटेगरी एंड टैग। ऑल पोस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी पोस्ट आपने लिखे होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे। मतलब कुछ पोस्ट लिख के आपने पब्लिश नहीं किए, वो ड्राफ्ट में चले गए, कुछ पोस्ट आपने डिलीट कर दिए वो थ्रैश में चले जाएंगे, और जो पोस्ट पब्लिश हैं वो पब्लिश में। तो जितने भी पोस्ट हैं आपके, जितने भी आर्टिकल हैं आपके जो पब्लिश हैं, ड्राफ्ट में हैं, थ्रैश में, वो सारे आपको एक जगह देखने को मिलेंगे। तो वो देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, ऑल पोस्ट पे, ठीक है। इसके बाद है एड न्यू। अब आपको कोई आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल लिखना है तो आप कहाँ जाएंगे, एड न्यू। यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके पास एक थोड़ा ट्यूटोरियल आया, इसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा जहां पे आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप हेडिंग लेंगे, ये देखिए, व्हाट इज ब्लॉग, ये आपकी हेडिंग हो गई, टाइटल हो गया। इसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना शुरू कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आप एंटर करेंगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा। ये ब्लॉग है, मैं आपको बोलूंगी बहुत से ब्लॉगर ना क्लासिक एडिटर यूज करते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी और स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप क्लासिक एडिटर मत यूज करिएगा। ये जो बाय डिफॉल्ट है ना ब्लॉग, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत ईजी भी है, और इसमें ना आपको कुछ एडवांस फीचर भी मिलेंगे जो क्लासिक एडिटर में नहीं मिलते, तो आप इसी ब्लॉग एडिटर को यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको बता रही थी एड न्यू, एड न्यू पे जाएंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप आर्टिकल लिखते हैं, यहाँ से आप SEO करते हैं। तो ये सब कैसे करना है ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आर्टिकल लिखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा, व्हाट इज ब्लॉग, ठीक है।
तो व्हाट इज ब्लॉग को हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालेंगे, जिससे हमारे जितने भी रीडर्स होंगे उनके लिए बहुत इजी होगा कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के आर्टिकल एक जगह पे उनको मिलेंगे। तो देखेंगे, आप चाहे तो यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करके भी अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, और आप चाहेंगे तो ये आर्टिकल जब आप लिखेंगे तभी आप कैटेगरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो कैटेगरी बनी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर ये ब्लॉग मुझे बुकिंग की कैटेगरी में डालना था तो मैं यहाँ से डाल सकती हूँ, और अगर मुझे इसे ब्लॉग कैटेगरी में डालना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बना सकती हूँ ब्लॉग, है ना, और एड न्यू कैटेगरी कर सकती हूँ। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे बन गया है। आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपकी वो कैटेगरी यहाँ पर भी आ जाएगी, ये देखिए ब्लॉग। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी बना सकते हैं। इसके बाद आता है टैग। तो देखिए, ये जो टैग है, ये टैग मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसपे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज ब्लॉग। तो आप इसमें लोग सर्च करते होंगे व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉग, या व्हाट इज मीन बाय ब्लॉग, ऐसे अलग अलग कीवर्ड है। तो उनको आप क्या करेंगे, उनको आप टैग में भी कवर कर सकते हैं। रिलेटेड कीवर्ड्स से टैग में कवर करेंगे तो आपको रैंकिंग में भी फायदा होता है, जैसे कि व्हाट इज ब्लॉग, ऐसे टैग में कवर करके आप कॉमा दे दीजिए। यहाँ पे आप 3, 4, 5, 6 टैग लिखेंगे अपने ब्लॉग से रिलेटेड, यहाँ पे आप टैग दे सकते हैं, तो वो टैग आपको यहाँ पर भी देखने मिल जाएंगे। तो ये हो गया पोस्ट, हमने डैशबोर्ड को समझा, इसके बाद हमने पोस्ट को समझा। ऑल पोस्ट में आपको सारी पोस्ट मिलेगी, एड न्यू से आप पोस्ट लिखते हैं, कैटेगरी हमने बताया कि आप यहाँ से कैटेगरी बना सकते हैं, और सेम एज टैग आप यहाँ से दे सकते हैं। कैटेगरी और टैग पे मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगी। इसके बाद मीडिया। तो देखिए, जब भी हम कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं ना, तो हम उसमें इमेजेस भी ऐड करते हैं। तो जितनी भी इमेजेस आपके ब्लॉग में है ना, वो सारी इमेजेस आपको यहाँ देखने मिलेंगी। और अगर कुछ न्यू इमेजेस आपको ऐड करना है तो आप ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी ऑप्शन होता है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे लगाना है तो ये मैं यहाँ से भी डायरेक्ट लगा सकती हूँ, यहाँ से भी अपलोड कर सकती हूँ, यहाँ से भी अपलोड कर सकती हूँ, कहीं से भी। इसके बाद पेजेस। तो देखिए, अगर आप एक मनी मेकिंग ब्लॉग बनाना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ पेजेस बनाना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये 5 पेजेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं अपने ब्लॉग से, तो आपको एफिलिएट डिस्क्लोजर भी देना होगा। तो वो जो पेजेस होते हैं वो आप यहाँ से बनाएंगे, सेम एज एड न्यू पेज पे जाएंगे और आपके पास वैसा ही डैशबोर्ड आ जाएगा जैसे हमने आर्टिकल लिखने के टाइम पे देखा था। वहां पे आप जाके पेजेस बनाएंगे तो और पब्लिश कर देंगे, तो वो पेजेस आपके सारे यहाँ ऑल पेजेस में शो होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये पेजेस बनाने के लिए है। अब इसके बाद कमेंट। तो जब आप अपना आर्टिकल लिखते हैं, आपके रीडर को पसंद आता है, ना पसंद आता है, जो भी उनके फीडबैक होते हैं वो आपको कमेंट करके बताते हैं। तो यहाँ से आपको कमेंट दिखेगा, आप अप्रूव करिए, स्पैम में डाल दीजिए, कुछ लोग स्पैमिंग करते हैं तो स्पैम में डाल दीजिए। तो ये है, अब ये फीडबैक जो है ये एक प्लगइन है, इसे आप छोड़ दीजिए, इसका भी कोई काम नहीं है। इसके बाद अपीयरेंस। तो अपीयरेंस मतलब होता है लुक, है ना, आपकी वेबसाइट किस तरह से दिख रही है। ये देखिए, ये है अपीयरेंस। अभी हमने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट किस तरह से दिख रही है, ये। अब ये जो फ्रंट फेस है ना, इसी को हम बोलते हैं अपीयरेंस। तो ये अपीयरेंस चेंज करना है तो हम यहाँ से अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ थीम में जाके हम थीम चेंज करेंगे, तो ये इसका इफेक्ट यहाँ दिखेगा। इसके बाद एडिटर में हम जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, तो ये सब ऑप्शन थीम सेक्शन में है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल ब्लॉग में। अपीयरेंस का सेक्शन पार्ट भी हम कवर करेंगे। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है प्लगइन्स। तो प्लगइन का मतलब होता है कुछ ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, आप ये समझिए प्लगइन को एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने के लिए, वर्डप्रेस से कितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती। कोडिंग की जगह पे यहाँ प्लगइन है। प्लगइन का मतलब उसमें ऑलरेडी वो कोड कर दिया गया है, डेवलपर्स के द्वारा वो कोड बनाया गया है और उसे प्लगइन में कन्वर्ट कर दिया है। तो उस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको SEO करना है तो आप Yoast SEO की प्लगइन ले सकते हैं। अगर आपको सोशल शेयरिंग करना है तो उसकी अपनी प्लगइन आती है। कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है, उसकी अलग प्लगइन आती है।
अगर आपको वर्डप्रेस की सिक्योरिटी करना, उसकी अलग प्लगइन आती है, तो इन सबके कोड ऑलरेडी डेवलपर ने बना के रखे हैं। हम उनमें से अच्छी सी प्लगइन इंस्टॉल करके उससे पर्टिकुलर, उस प्लगइन से पर्टिकुलर वो टास्क पूरा कर लेते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी प्लगइन है जो आपको एक अपने ब्लॉग में यूज करना चाहिए। तो वो ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू पे जाएंगे, जैसे कि अगर आपको कोई प्लगइन चाहिए तो ऐड न्यू पे जाएंगे तो wordpress.org में ये इतनी सारी आपको फ्री प्लगइन मिलती है। यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे तो आपको अनलिमिटेड प्लगइन मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मुझे देखना है कि मेरी साइट पे कितनी ब्रोकन लिंक्स है, मतलब कौन कौन सी लिंक्स है जो ब्रोकन है, तो देखिए ये प्लगइन मिल गई, ये अब इनमें से जो भी अच्छी है हम देख लेंगे किसके इंस्टॉलेशन अच्छे हैं, तो वो प्लगइन आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको साइट का बैकअप रखना है तो अपड्राफ्ट की प्लगइन है, तो ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ से प्लगइन मिल जाती है और हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है यूजर की, यहाँ आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये ऑलरेडी आपकी यहाँ पे प्रोफाइल बनी होगी, इस प्रोफाइल को रहने दीजिए। और जब आप अपना वर्डप्रेस, जैसे अगर आप टीम में काम करते हैं तो आपको अपने वर्डप्रेस का भी कुछ शेयर करना पड़ता है, तो यहाँ से हम मेंबर्स बनाते हैं, तो वो बात की बात है, वो हम आराम से बताएंगे। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, अगर आप टीम में काम करते हैं तो आप वर्डप्रेस के किस तरह से शेयर कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आ जाइए टूल्स, तो टूल्स में आपको कुछ नहीं करना है, टूल्स में कुछ हेल्पफुल टूल्स आपको मिलेंगे, तो वो जैसे कि साइट अगर आपने बैकअप लिया है तो इंपोर्ट करना, साइट को बैकअप को एक्सपोर्ट करना, साइट हेल्थ चेक करना, और जो भी प्लगइन्स आप इंस्टॉल करेंगे ना तो वो टूल्स में दिख जाएगी। इसके बाद आ जाइए सेटिंग में, तो जब हम फर्स्ट टाइम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना तो हमें कुछ बेसिक सेटिंग करनी होती है अपने वर्डप्रेस ब्लॉग की, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट्स है ना, तो हम बेसिक सेटिंग कैसे करना है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करना है, वो सारा हम एक सेकेंड वीडियो में जानेंगे, वहां देख के आप इसका पूरा सेटिंग पार्ट कवर कर लीजिएगा। इसके बाद योस्ट प्लगइन है, तो आप ये SEO के लिए काम आती है, और SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप अपना ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग बनाने के बाद आप चाहते हैं कि वो गूगल में रैंक हो और गूगल से बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिले जिससे आपकी बहुत सारी अर्निंग हो, तो उसमें दो प्रकार से SEO होता है, एक होता है ऑन पेज SEO और एक होता है ऑफ पेज SEO। तो ऑन पेज SEO करने के लिए आपको ये प्लगइन हेल्प करती है। SEO आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट का SEO स्कोर क्या है, और अगर आप उसे स्कोर अच्छा करते हैं तो आपका ऑन पेज SEO अच्छा होता है। तो ये हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे कि ऑन पेज ऑफ पेज SEO क्या होता है और कौन सी बेस्ट प्लगइन है SEO के लिए, वो भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सारे फीचर सीख गए होंगे कि किस इधर यहाँ पे किस पॉइंट से क्या होगा। तो इन सारे आइकॉन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन होगा और मैं आपको अंडरस्टैंड करके, एक बिगनर को भी अंडरस्टैंड करके मैं यूजफुल कंटेंट उनके लिए बेसिक से ला सकूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो यूट्यूब पे कवर नहीं है। और एज अ ब्लॉगिंग कोर्स मेरे पास काफी ब्लॉगर स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो मुझे इतने मतलब नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछते थे जो मुझे लगते थे कि ये क्वेश्चन भी है क्या, बट वो क्वेश्चन होते हैं। तो जो मेरे ब्लॉगर कोर्स के मेंबर्स नहीं है, जो यूट्यूब पर इन वीडियो से सीख रहे हैं, अगर उनको उनके पास भी वैसे सवाल है और उनके पास वो कोई मेंटर नहीं है जो उनके वो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।